नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टेकिंग सिस्टम में। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने जो है अपना पीसी असेंबल कर लिया है। यहाँ पे मैंने आपको सेपरेट वीडियो बना के दिखाई कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से ऑर्डर किया। तो इस वीडियो में आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने सीपीयू असेंबल किया, कौन कौन से मैंने पार्ट यूज किए। आप में से बहुत से लोगों को ये पता होगा क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी जिसमें से मैंने कई पार्ट का अनबॉक्सिंग की रिव्यू भी दिया। तो वही सब मैं आपको असेंबल करके दिखाने वाला इस वीडियो में। तो फाइनली फ्रेंड्स, अगर सीपीयू जो मेरा बनकर रेडी हुआ है वो मिड रेंज का सीपीयू है और यहाँ पे अगर इसकी प्राइस की बात करें तो मिनिमम वो 15,000 के अंदर ही होगा, इसके नीचे ही होगा, इसके ऊपर नहीं जा सकता है। और यहाँ पे मैंने अभी कोई ग्राफिक कार्ड नहीं यूज़ किया है। प्रोसेसर की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने i5 यहाँ पे 3570 यूज़ किया है, जो कि इसका परफॉर्मेंस मैं आगे आपको दिखा दूंगा कुछ वीडियो में। और मैंने इसे टेस्ट भी कर लिया है। तो यहाँ पे जब मैंने रेंडरिंग की तो रेंडरिंग में थोड़ा 180 fps तक का सही चलता है, लेकिन जब मैं 4K की बात करता हूँ 30 fps में, यहाँ पे जो फ्रेंड थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है। ओवरऑल फ्रेंड जो कुछ भी हो, मेरा काम इससे हो रहा है जब तक कि बजट मेरा बढ़ नहीं रहा है। तो जो जितने भी न्यू यूट्यूबर हैं उनके लिए प्रोडक्ट काफ़ी सही हो सकता है जो मैंने असेंबल किया है। तो उसकी वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे मैंने अपना पीसी असेंबल किया है, कौन कौन से पार्ट मैंने यूज़ किए हैं। जो भी मेरे जैसे यूट्यूबर हैं, हो सकता है उनकी कुछ हेल्प हो। तो मेरा वीडियो बनाने का बस यही पर्पज़ था कि आप सभी लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। यहाँ पे मैं कैसे, अगर आपके पास कोई पैसे वैसे नहीं होते तो कैसे धीरे धीरे बाय करके आप जब सारे पार्ट्स आपके पास आ जाएंगे तो कैसे आप इजीली से असेंबल करके अपना एक सीपीयू बना सकते हैं। तो सीपीयू के लेकर बात करूँ तो मैंने भी कोई से अलग से मॉनिटर नहीं खरीदा है, इसमें मैं इसे एंड्रॉइड टीवी में ही यूज़ कर रहा हूँ। कोई भी टीवी हो, लेड टीवी है, स्मार्ट टीवी है, कोई सी भी टीवी हो, आपका जो है वहाँ पे उसमें वर्क कर जाएगा, केवल इस वहाँ पे HDMI पोर्ट होना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपके CRT टीवी है उसमें भी वर्क कर जाएगा, केवल आपको HDMI टू AVI जो कन्वर्टर होता है वो यूज़ करना है। सो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको असेंबल करना मैं सिखाता हूँ, दिखाता हूँ साथ में, जो कुछ भी हो आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर हिट कर लेना। अच्छा, फर्स्ट जो काम हमारा होता है इसमें प्रोसेसर को लगाना होता है। तो चलिए जल्दी से हम मदरबोर्ड को बाहर निकाल कर और इसमें प्रोसेसर को फिट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल इस ट्रे को हम हटाएंगे और हटाने के बाद इसमें जो है आपको कवर पहले से लगा रहेगा, इसको सिंपल हटा देंगे। हटाने के बाद जो है यहाँ पे हम प्रोसेसर को फिट कर देंगे। तो यहाँ पे अभी सिंपली आपको जो है क्रॉस कट मिल जाएगा, जो कि हर किसी को पता ही होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस कॉर्नर को आपको प्रोसेसर के जो बोर्ड में एक कॉर्नर होगा वहाँ पे भी आपको इसको मिला के सेम में जो इसके फिक्स कर देना है। इसके बाद सिंपल आपको इस ट्रे को जो है वापस से बंद कर देना है। जैसे सॉकेट बंद करेंगे आप जो है यहाँ पे इजीली आपका ये फिक्स हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस पर आपको यहाँ पे पेस्ट लगाना, हीट सिंक वाला पेस्ट इस पर लगा देंगे और पेस्ट लगाने के बाद अपने फ़ैन को यहाँ पे सिंपल से फिक्स कर देंगे। तो ये सारी प्रोसेस रहती है हमारा सीपीयू फिक्स करने का, यहाँ पे प्रोसेसर फिक्स करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है। आपको इसके साथ में फ़ैन के साथ में यहाँ पे हीट सिंक भी मिलता है, हीट पेस्ट भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं अलग से मैंने परचेस किया था जो कि मुझे 180 का पड़ा था, मैं इसे ही यूज़ करने वाला हूँ। आपको इसे जो प्रोसेसर के ऊपर अच्छी तरीके से लगा देना, ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि ये पिघल कर जो भी हीट होगा तो ये पिघलता है, थोड़ा बहुत बाद में सूख जाता है। तो ये हीट के किसी पार्ट पे ना आने पाए इतना लगाना कि आपका जो है ये प्रोसेसर तक ही सीमित रहे। तो जल्दी से मैं इसे लगा देता हूँ, इसके बाद मैं फ़ैन को लगा लेता हूँ। तो फ़ैन लगाते वक्त जैसे ही आप इसमें हल्का प्रेस करेंगे टिक से आवाज़ आएगी, फिर आपको रोटेट कर देना है, जहाँ पे टाइट हो जाए वहीं पे इसे रोक देना है। तो हमारा जो है ये फ़ैन का प्रोसेसर का काम सारा रेडी हो गया है। अब जल्दी से हम इसमें रैम असेंबल करेंगे, रैम लगाएंगे। तो रैम की मैंने हाइनिक्स की यहाँ पे 4 GB की मैंने 2 स्टिक ऑर्डर की है। यहाँ पे क्यों डुअल चैनलर ये बोर्ड है तो 8 GB के लिए 4 डुअल चैनलर 4 मैंने इसीलिए ऑर्डर किया है। अगर मैं चाहता तो दोनों 8 GB का 1 ही स्टिक ऑर्डर करता, लेकिन यहाँ पे जो मुझे स्मूथनेस मिलती वो नहीं मिल पाती इतना अच्छा। अब यहाँ पे क्या होगा, 8 GB में 4 जो है दोनों की फ्रिक्वेंसी एक साथ यूज होगी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 GB की यूज़ की। अगर आपको 16 GB यूज़ करना है तो आप 8 GB का यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं रैम को भी यहाँ पे असेंबल कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा रैम का सारा वर्क हो चुका है, हमारा ये बोर्ड रेडी हो गया है कैबिनेट में फिट करने के लिए। तो सबसे पहले आई प्लेट को हम निकाल के इसके सारे होल होते हैं वो यहाँ पे हम ओपन कर देंगे ताकि जिसके सॉकेट होते हैं इसमें अच्छे से बैठ सकें। इतना करने के बाद आपको आई प्लेट को अच्छी तरीके से यहाँ पे फिक्स कर देना है। मदरबोर्ड को अच्छी तरीके से फिक्स करने के बाद स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हमें पूरी तरह से इसे फिक्स कर देना है, कस देना है। और इसके बाद हमें जो है पावर सप्लाई से कनेक्शन को देना है, जो भी हमारे कैबिनेट का पावर होता है, हमारा जो मदरबोर्ड के पावर केबल्स हैं सबको अटैच करना है। तो जल्दी से हम ये काम करके आपको आगे की नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स हम केबल साइड वाला पैनल ओपन करेंगे। आपको यहाँ पे जो है मदरबोर्ड के जो है आपका केबल कनेक्शन और जो कैबिनेट का केबल कनेक्शन होता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस मदरबोर्ड में तो जो नॉर्मल कनेक्शन होता है वो आपको दिख ही जाएगा। SMPS पावर सप्लाई के आपको जो केबल मैनेजमेंट होता है वो भी आपको दिख जाएगा, आप कहाँ से करना है इंसर्ट। तो आप पहले से देख लेंगे आपका जो है मदरबोर्ड में कहाँ से परफेक्ट बैठ रहा है, शॉर्ट हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है। सो फ्रेंड जल्दी से मैं सारे कनेक्शन करके आपको ईजिली दिखाता हूँ कि कौन से कनेक्शन मैंने कहाँ पे किए हैं, कैसे किए हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा मैंने यहाँ पे केबल मैनेजमेंट किया है। ये जबरोनिक्स का फैन चल रहा है और यहाँ पे फ्रेंड देखिए इसमें जो है USB 0.3 का सपोर्ट नहीं है, तो इसका कनेक्शन मुझे यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिला। आगे है हम सॉकेट लगा के इसका यूज़ कर सकते हैं बट अभी मेरे पास नहीं है। और यहाँ पे हम बता दें कि इसमें जो है ऊपर आपको रीसेट बटन का ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका रीसेट बटन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पिन भी आपका खाली रहने वाला है। नीचे से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे की पिन है वो खाली हुई है रीसेट की, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो अभी साटा केबल मैंने कनेक्ट कर दिया ये हार्ड डिस्क से लगा हुआ है, सारे कनेक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये फ्रेंड्स USB 0.2 का लगा हुआ है और फ्रेंड्स ये जो है ऑडियो का लगा हुआ है और ये हमारा स्पीकर का लगा हुआ है जो अलार्म के लिए होता है, इसका पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये फ्रेंड्स 12 वोल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए इस तरफ आएंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका केबल मैनेजमेंट कुछ ऐसा किया है, बहुत ही क्लीन लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके सारे पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। ये इधर से देखिए यहाँ पे USB, यहाँ पे LED 1, LED 2, LED 3, ठीक है। तीनों LED लाइट जितनी भी है फ्रंट में आपको देखने को मिलेगी और जो फैन की RGB है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और ये फ्रेंड्स फैन का कनेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये SMPS से साटा कनेक्शन आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। ये केवल SM पावर सप्लाई से सीधे आता है और ये पावर सप्लाई फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है क्योंकि हर इसमें डबल सॉकेट है, आप देख सकते हैं इस तरह का भी सॉकेट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इस पर जो है वायर भी फालतू बच गया है, इसको मैंने यहाँ पे अंदर कर दिया है, इसमें कोई यूज़ ही नहीं है। क्योंकि अगर जब मैं गेमिंग PC लूँगा उसमें इसका यूज आएगा, आप देख सकते हैं केवल यहाँ पे मैंने दो साटा केबल यूज़ किए हैं, एक इसके लिए एक पीछे सप्लाई के लिए, बाकी 24 पिन वाला यहाँ पे तो ये तो यूज ही हो गया है। अगर देखिए फ्रेंड्स आपका 24 पिन वाला ये शॉर्ट पड़ेगा तो आपको यहाँ से निकालना है, इसके अंदर से निकालेंगे सीधे कनेक्शन। देखिए फ्रेंड्स ये हो गया आपका 24 पिन का, ठीक है। ये दो यहाँ पर रैम मैंने लगा दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये फैन चल रहा है और यहाँ पे अगर हम फैन का कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से जो है फैन का कलर चेंज भी हो जाता है। ये फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसमें मदरबोर्ड में इसका फंक्शन दिया रहता तो इसके लिए पिन एक अलग से होती, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो पिन लगा हुआ है ये पिन PC डाटा देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है PC डाटा, तो इसका वो यहाँ पे मैंने कहीं यूज़ नहीं किया है, बस इसके अंदर ही रख दिया है, ये आराम से यहाँ पे रखा रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा PC जो है बिल्ड हो चुका है। हालांकि मैं आपको बिल्ड करते टाइम ये वीडियो दिखा नहीं पाया क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा लंबी हो जाती, मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। कुछ भी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो इससे रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पे पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से हम ले चलते हैं TV के पास, मॉनिटर के पास, वहाँ पे हम चेकअप करते हैं इसका, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से इसे फिट कर लेते हैं। सो फ्रेंड इसे मैंने अपने एंड्रॉयड TV में यहाँ पे लगा दिया है HDMI केबल की मदद से और ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। इसमें मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे विंडो 10 इंस्टॉल किया है जो कि अभी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है, फ्री वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ इसका। इसका फ्रेंड्स विंडो 10 में ये होता है कि आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, बस कुछ यहाँ पे जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर होते हैं लाइक बैकग्राउंड चेंज करना, ये सारे फीचर आपको विंडो 10 में जब तक कि एक्टिवेट नहीं करेंगे तो नहीं मिलता है देखने को। तो ओवरऑल फ्रेंड्स लुक देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, हालाँकि थोड़ा कैमरा क्वालिटी के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, इतना अच्छा क्वालिटी में नहीं वीडियो बन पाया, बट फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए ये काफ़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे कितना क्लीन लग रहा है, मैंने केबल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा किया है। ऊपर से फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो ईयर फिल्टर होता है नेट ये भी काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। और यहाँ पे आप चाहें तो 1-2 फैन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे रेडिएटर के लिए, जो प्रोसेसर कूलर थर्मल कूल आता है उसके लिए, लेकिन इतना भी यहाँ पे हैवी इसमें लोड नहीं पड़ रहा है, ना ही वो मैं गेमिंग प्रोसेसर इसमें यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फ्रेंड चलिए फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना जो है यहाँ पे CPU का प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे मैंने इसमें जो मेन कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, प्रोसेसर वगैरह इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी पे भी क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 8GB रैम और इंटेल का i5 3570 कोर प्रोसेसर, यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है 3.5 GHz है। तो ओवर फ्रेंड्स हमारे PC रेडी हो गया है, मैं कभी आपको गेम चेक करके इस पर दिखाऊंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।